आज का दिन था संडे। संडे के दिन होता है मेरा टेस्ट। तो सुबह में उठ के सबसे पहले चाय बनाने के लिए उठे, देखे कि चीनी ही नहीं है। चीनी नहीं है तो ऊपर वाले भैया के पास, विकेश भैया के पास गए। देखे रूम में सारे किताब को साफ करके सजा कर रखे थे। देखे कितने सारे किताब है यहाँ। ये 7 साल का मेहनत है। चीनी यहाँ से लिए और फिर से आके चाय बनाया। जल्दी जल्दी से कुछ नाश्ता भी बनाना था। ये मिल गया हमको चीनी। चीनी मिलते ही हम आ गए नीचे। फिर हमको आज खाने का मन था साग रोटी। लाए थे पालक साग रोटी, दूध मेरा फेवरेट में एक है। ये मेरा आटा सन गया है, अब रोटी बनाएंगे और जल्दी जल्दी से ब्रश करके खा के आज निकलना है। 12 बजे से टेस्ट था तो उससे पहले उठे ही लेट से। तो ये जल्दी जल्दी खा के ये निकल रहे हैं हम लोग टेस्ट देने के लिए। आज है क्या तीसरा टेस्ट था आज डिजिटेरिया का, NCERT सीरीज का। तो जल्दी जल्दी ये देख सकते हैं साग रोटी और दूध भी है कटोरे में। तो अलग ही टेस्ट है, एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो जल्दी से निकल गए। हमारे मित्र महोदय के भी जाना था कहीं और अपने रिश्तेदार के पास, तो ये इनके लिए कुछ किताब ले जाने थे। तो घटना चक्र के ये किताब ले रहे हैं और मैं टेस्ट देने चला गया। फिर टेस्ट देके ये वापस रूम पाया। रूम पर आते ही लगी थी थोड़ी सी भूख, 3 बज गए थे। थोड़ा सा फिर से मकई उबाल के, रोटी बचा नहीं था तो मकई उबाल के, मक्का थोड़ा सा बना के इसको नींबू वगैरह डाल के चटपटा हो गया। फिर खा के हम सुबह में हुआ था कि पेपर हम पढ़े नहीं थे, तो पेपर पढ़ने के लिए अभी पेपर निकाल लिए जनसत्ता। तो पेपर पढ़ने के साथ ही फिर से जो क्वेश्चन अभी टेस्ट लगा के आए थे उस क्वेश्चन को देखना था कि कहाँ कहाँ गलती किए हैं। तो पेपर पढ़ने के बाद जल्दी से उसके ऊपर लग गए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से सही किए हैं, कौन सा थोड़ा सा मिसलीड हुआ है। उस तरीके से सब क्वेश्चन को एकाएक करके देख के फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। बारीकी से देखते हुए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया रहता है। अब किताब तो वही रहता है लेकिन थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की गई थी। तो अगले टेस्ट का रिजल्ट आते समय हम की बताएंगे कि रिजल्ट में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितने क्वेश्चन सही है। रात के हो गए थे 12, नींद आ नहीं रहे थे। रात के बज रहे हैं 12, अब सोया जाए। फिर भूख लगी तो कुछ खाया क्या जाए, कुछ खाया जाए, देखते हैं क्या बचा हुआ है।